कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स हमारा कब फॉर्म होता है? जब भी सन सन मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तब हमारे एक्लिप्स फॉर्म हो सकते हैं। जब अर्थ की शैडो मून के ऊपर फॉल करेगी तो हम कुछ एरिया मून का ऐसा होगा जिसके ऊपर सन की रेज फॉल नहीं करेंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक नहीं आएंगी, तो हमें कुछ पार्ट मून का है जो नजर नहीं आएगा, इसको हम ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और इसी तरह से जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, मतलब मून की शैडो जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है, तो जितने एरिया में मून की शैडो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है उस एरिया में हमें सन नजर नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन में हम उसको सोलर एक्लिप्स बोलेंगे। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं सोलर एक्लिप्स। आप फिगर में देख सकते हैं कि जब भी सोलर एक्लिप्स होगा तो जो सन है और अर्थ है उसके बीच में हमारा मून आ गया और मून की शैडो जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है। मतलब जितने एरिया में मून की शैडो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है उतने पार्ट में अगर हम हैं तो अर्थ के उस पार्ट से हमें सन नजर नहीं आएगा। अगर तो पूरा पूरा सन के सामने शैडो आ जाएगी तो वो टोटल एक्लिप्स हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ पार्ट सन का जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है मून की वजह से, मतलब मून की मून सन के कुछ एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो ऐसे को हम पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। तो बेसिकली ये होता कब है? जब हमारा न्यू मून होता है तभी हमारा जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ सकता है। मतलब जब न्यू मून है और सन मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे तब हमारा सोलर एक्लिप्स होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमारे सन के सामने मून आया है तो जिस एरिया में शैडो पड़ रही है मून की वहां पे हमारा एक्लिप्स, हमें उतने एरिया में उस अर्थ के उस पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो हमें सन नजर नहीं आएगा, तो इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलेंगे। और आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे सन जो मून की शैडो है उसने सन को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो वहां पे हमारा टोटल एक्लिप्स हो रहा है, लेकिन उसके आसपास के एरियाज में क्या हो रहा है, सन का कुछ पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो हमारा पार्शियल एक्लिप्स हो रहा है। लेकिन दोनों केसेस में सन और सन का पार्शियल एक्लिप्स हो या हमारा टोटल एक्लिप्स हो, लेकिन होगा तभी जब मून की शैडो अर्थ के ऊपर फॉल करेगी, मतलब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। ऐसा होने से हमारा सन की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कुछ एरिया नेचुरली जब सन की पार्ट के बीच में सन की रेज के बीच में एक ऑपेक ऑब्जेक्ट जो कि मून है, मून इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, वो सन के रास्ते में आ रहा है, तो जितना पार्ट या जितनी जितनी रेज को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वो वाली रेज अर्थ तक नहीं पहुंच रही है, तो उस एरिया में हमें सन नजर नहीं आ रहा, तो हमें लग रहा है दैट इज द सिचुएशन ऑफ सोलर एक्लिप्स। Now let us discuss something more about the concept. अभी हमने सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है। लूनर एक्लिप्स हमारा कब फॉर्म होता है? बेसिकली एक्लिप्स तभी होता है जब हमारे पास शैडो होती है। जैसे सोलर एक्लिप्स में हमारा एक्लिप्स कब हो रहा था? जब मून की शैडो अर्थ के ऊपर फॉल कर रही थी, तो उसी तरह से लूनर एक्लिप्स में क्या होगा कि अर्थ की शैडो मून के ऊपर फॉल करेगी। ये जब भी कभी हमारा लूनर एक्लिप्स होगा बेसिकली इट विल बी ऑन अ फुल मून डे। इसमें हमारी जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी, तो जब भी अर्थ सन और मून के बीच में आएगी तो और अगर ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, उस लाइन पे एक्लिप्स होगा। अब जब अर्थ की शैडो मून के ऊपर फॉल करेगी, दैट मींस अर्थ की शैडो मून के ऊपर फॉल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सन की रेज है वो मून तक नहीं आ रही। जब रेज मून तक पहुंचेंगी ही नहीं तो मून रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मून के पास अपनी तो कोई लाइट है ही नहीं, मून बेसिकली सन की रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए हमें मून नजर आ रहा है। बट क्योंकि अर्थ बीच में आ गई, अर्थ की शैडो मून के ऊपर फॉल कर रही है, तो सन की रेज मून तक नहीं पहुंच रही है, इसकी वजह से मून हमें नजर नहीं आएगा, हमें लगेगा कि हमारा आज लूनर एक्लिप्स हो रहा है। तो अब जब लूनर एक्लिप्स होगा, ये भी दो तरह से हो सकता है, इट कैन बी पार्शियल, इट कैन बी फुल एक्लिप्स। फुल एक्लिप्स कब होगा? जब पूरा पूरा जो मून है वो पूरा उस एरिया में आएगा जहाँ पे शैडो होगी। जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, जिस एरिया में मून पूरी तरह हमारे अर्थ की शैडो में एग्जिस्ट आ जाएगा तो उसको हम फुल लूनर या टोटल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। लेकिन अगर मून ऐसे एरिया में है कि कुछ पार्ट शैडो में आ रहा है और कुछ पार्ट उस शैडो से बाहर है, उसको हम पार्शियल एक्लिप्स बोलेंगे। तो जिस तरह से सोलर एक्लिप्स में भी दो फेजेस है, इट कुड बी पार्शियल, इट कुड बी टोटल, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि मून में के केस में भी, हमारे लूनर एक्लिप्स के केस में भी हमारा पार्शियल एक्लिप्स भी हो सकता है और टोटल एक्लिप्स भी हो सकता है। टोटल एक्लिप्स कब होगा? जब पूरा पूरा मून जो है वो हमारे अर्थ की शैडो के बीच में आ जाएगा, या
अगर पार्ट उसका अर्थ की शैडो में आएगा तो ऐसी सिचुएशन में इट विल बी अ पार्शियल इक्लिप्स. सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स इन द केस ऑफ सोलर इक्लिप्स ऑल्सो एंड द लूनर इक्लिप्स.